नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानगढ़ में गहलोत की उपस्थिति में पीएम ने की तारीफ। हिसार मुंबई दुरंतो का पूरा रूट अब इलेक्ट्रिक। अधिकारियों के लिए कई विभागों का काम संभालना मुश्किल। कॉलेज छात्राएं स्कूटी के लिए 30 तक कर सकेंगे आवेदन। और रणथंभौर में गेट पर चेकिंग, फिर भी फर्जी पर्यटक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया। अशोक गहलोत हमारी जमात में सबसे सीनियर थे। अब भी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर सीएम हैं। मोदी ने कहा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आज़ादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। आदिवासी समाज आज़ादी की जंग लड़ने के मामले में किसी से पीछे नहीं था। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन कराएंगे तो पूरे देश में लागू हो सकता है। गहलोत ने बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की। सीकर रेलवे स्टेशन से आज पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है। ये ट्रेन मुंबई से हिसार के लिए चलने वाली दुरंतो ट्रेन है। आज ट्रेन शाम करीब 4 बजे सीकर से हिसार के लिए रवाना हुई। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं और शेखावाटी रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ट्रेन के लोको पायलट का स्वागत किया। गौरतलब है कि मुंबई से हिसार के लिए चलने वाली दुरंतो ट्रेन का पहले जयपुर में इलेक्ट्रिक इंजन चेंज किया जाता था। राज्य सरकार ने प्रदेश में तैनात 31 IAS अफसरों के पास पहले से ही अन्य विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। अब सरकार ने 6 और अफसरों को अन्य विभागों के भार सौंप दिए हैं। इनमें कई विभाग ऐसे हैं जो काम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसे 2 या उससे अधिक विभागों का कामकाज एक ही IAS को दे रखा है। हालांकि 30 IAS अफसरों के तबादलों के साथ कई अफसरों से अतिरिक्त जिम्मेदारी हट भी गई है। इसके बावजूद 30 अफसरों के पास अन्य विभागों का काम भी है। नागौर के सरकारी महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त नियमित विद्यार्थियों के लिए सत्र 2022-23 के लिए कालीबाई भील व देवनारायण छात्रा स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। बीआर मिर्धा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरसुख छरंग ने बताया कि योग्य छात्राएं इस तिथि तक अपना आवेदन नजदीकी ई मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को जोन 1 से 5 में जोगी महल व सिंह द्वार से प्रवेश दिया जाता है। यहां वन कर्मियों को पार्क भ्रमण के लिए आने वाले सैलानियों के टिकट, वाहन तथा ID जांच के लिए तैनात किया है। बावजूद इसके फर्जी सैलानी पार्क भ्रमण के लिए रणथंभौर में प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में रणथंभौर के जोन 3 में पार्क नियमों को तोड़ने पर वन विभाग ने गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष रफीक मोहम्मद, कैंटर चालक आसिफ और कैंटर पर पार्क प्रवेश में अग्रिम आदेश के लिए प्रतिबंध लगाया है। दौसा जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के खाली पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर यानी आज से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में इस योजना के तहत भरे जाने वाले खाली पदों की सूचना जारी कर दी गई है। संबंधित पदों के लिए 2 से 4 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। दौसा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। जिले में विभिन्न कारणों से रिक्त पंचायत समिति सदस्यों के 1, सरपंच के 4, उप सरपंच के 3 व वार्ड पंच के 39 पदों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। जयपुर के एक होटल में लिफ्ट गिरने से अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट में एक ही परिवार के 10 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लिफ्ट पहली मंजिल से नीचे गिरी, इसके बाद चीख पुकार मच गई। घटना गांधी पथ स्थित फेमस होटल जयपुर बाग की है, जो शनिवार देर रात 11 बजे हुई। घटना के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों ने वैशाली नगर थाना पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने करनी विहार इलाके को मामला बताकर फोन रख दिया। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में फंसे होने के कारण लोगों की हालत खराब हो गई। मंगलमय यात्रा का रीडेवलपमेंट प्लान। मेन गेट के अलावा जल भवन के पास से नया एंट्री पॉइंट, 3 रास्ते विकसित होंगे। अभी जयपुर जंक्शन पर उतरते ही देशी विदेशी पर्यटकों को जाम भीड़ और खटारा बसों वाला शहर दिखाई देता है। 42 महीने में गुलाबी शहर की इस तस्वीर को बदलने के लिए रेलवे, नगर निगम और JDA ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जंक्शन के बाहर जाम फ्री और रीडेवलपमेंट पर करीब 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी मामले में राहत मिलने के बाद अब राजस्थान सरकार ने इसके 16 नए खनन पट्टे जारी कर दिए हैं। इससे अब राजस्थान में बजरी संकट का समाधान होने की उम्मीद जगी है। बजरी आपूर्ति के अभाव में राजस्थान में लंबे अरसे से विकास के पहिए जाम हो गए थे।
निर्माण कार्य ठप हो गए थे। इससे दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया था। अब दावा किया जा रहा है कि बजरी खनन के नए पट्टे जारी होने से राजस्थान में इसकी 90% मांग पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।